गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग, कोमल व्लॉग। सो होप करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जस्ट सो के ही उठी हूँ और अब मैं थोड़ा नहा धो लेती हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना डे रूटीन, कि मैं अपने पूरे डे को कैसे यूज़ करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, तो आपको वो भी देखने को मिले। पहले मैं नहा धो लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और या फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नहा धो के पूजा वगैरह करके सब रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मम्मी ने बनाए हैं आलू के पराठे और बाहर हो रहा है बहुत अच्छा मौसम। मौसम दिखाती हूँ आपको, बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कल दो दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो मौसम तक खतरनाक हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मस्त लगता है मुझे ये मौसम। बट मुझे आज जाना था शिव मंदिर सुबह और ये बारिश आ गई तो अभी कैंसिल हो गया। होप ये शाम तक रुक जाएगी तो मैं शाम को चली जाऊँगी। और अभी चलो करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट, सब लोग ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है और हम लोग लेट उठते हैं तो हम लोग अब करेंगे। मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही है, तो अंदर मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही है, मुझे आवाज़ आ रही है मेरे ब्लॉग की। तो आज पियेंगे चाय और खाएंगे आलू के पराठे। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो गया है, पतिदेव कर रहे हैं काम और अब मेरी बारी है, क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह पड़ गई है डांट पतिदेव से, क्योंकि मैंने काम नहीं करा बहुत टाइम से, बहुत मस्ती कर लिए है, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई है, अब वापस बैक टू नॉर्मल वर्क। डांटोगे मुझे? कभी कभी डांट की जरूरी होती है। तो अब लगते हैं अपने वापस काम पे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तो तब तक के लिए बाय। अब बना रही हूँ मैं खाना, तो आज खाने में बन रहा है दाल चावल और खाना बनाते हैं फटाफट। और दूसरी तरफ एडिटिंग का काम भी चल रहा है तो वो भी निपटाते हैं। और बाहर बारिश आज रुक नहीं रही है, पता नहीं सुबह से बारिश हो रही है, कब रुकेगी कुछ नहीं पता। चलो खाना बनाएंगे। सो गाइज़ हमारा लंच वगैरह सब ओवर हो गया है। सो गाइज़ हमारा लंच वगैरह हो चुका है और बाहर इतनी तेज़ धूप आ गई है, मैंने मैं सारे कपड़े बाहर सुखा दिए। इतने दिन से ना मेरे कपड़े सूखे नहीं रहते क्योंकि धूप ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए और मौसम खुल चुका है। और हाँ गाइज़ भाई भी पहुँच चुका है, आज सुबह मेरी उससे बात हुई थी, वो अच्छे से पहुँच गया है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, और मैं भी उसको बहुत मिस कर रही हूँ कि इस बार मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, बट क्या कर सकते हैं, उसको जाना ज़रूरी भी था क्योंकि जॉब तो करनी ज़रूरी है। और या अभी मुझे शाम को ज़रा बाहर जाना है थोड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक चीज़ की ज़रूरत थी मुझे, तो मुझे वो लेने जाना है। अब देखो सचिन रेडी होते हैं जाने के लिए कि नहीं, अभी तो मैंने बोल दिया है तो अभी तो हाँ बोल रहे हैं, बट बाद में इनका कुछ पता नहीं रहता, ये बिज़ी हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे को टाइम ही नहीं मिलता काम, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता और अकेला मेरा मन ही नहीं करता अब कहीं जाने का, मार्केट वार्केट जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं और सचिन हर जगह साथ में जाते हैं, तो अकेले इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। और मौसम भी खुल गया तो लगता है कि आज काम हो जाएगा, तो या देखते हैं जाके क्या होता है क्या नहीं होता। और अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और आजकल होता नहीं है गर्मियों में दिन में खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तो मेरे को तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो पहले मैं सोऊंगी फिर उठ के तब देखते हैं क्या क्या काम बचा है। और सोने से पहले भी रीडिंग का एक काम बाकी है जो एक फाइनल प्रोजेक्ट देना है आज ही, तो पहले उसे करेंगे फिर सोएंगे और तब आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी और पतिदेव भी हो गया रेडी और हम लोग जा रहे हैं, और घर का राशन भी लाना है थोड़ा सा और मेरे को भी अपना सामान लेके आना है थोड़ा सा, तो देखते हैं हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। दरवाजा लॉक कर दिया जाए। तो मेरे पतिदेव भी रेडी हो गए हैं, लाइट में आके दिखा रहे हैं अपने आपको कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, है डार्कनेस में पता नहीं चलता ना, चेहरा दिखता नहीं। अच्छा तो हम क्या लेने जा रहे हैं? ये एक सीक्रेट है, हम वहीं जाके देखेंगे। व्लॉग में ना इस बंदे की आवाज नहीं निकलती है और वैसे ये बंदा फिर चिल्लाता ही रहता है, जब देखो है झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो गाइस चलते हैं, अब चलो। तो गाइस मुझे लेने हैं ये मिरर्स, जिसे मेरे पति देव दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा वाला लिया जाए। तो गाइस ये वाला मिरर फाइनल हो गया है और एक ये भी,
तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और हमारा मिरर आ चुका है। ये रहा हमारा मिरर और ये रहा मेरा मिरर का पति, मेरा पति, मेरा पति, ये रहा मेरा मिरर। आई एम सो एक्साइटेड। चलो गाइस मेरे को मिरर दिखाने दो। और ये मिरर है इसके लिए और ये और मिरर है मेरे लिए। नहीं जी, यस ये छोटा मिरर इसके लिए, ये मेरा है, दोनों मेरे हैं। तो गाइज मैं ना ये मिरर लेके आई हूँ और मुझे ना इसको इस वाले पोर्शन पे लगाना है और इसके साथ मैं ये छोटू मिरर भी लेके आई हूँ जिसको मैंने लगाना है बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में मिरर नहीं था और ये इसके लिए प्रॉब्लम होती। तो ये सेम सेम इसकी जो ये बैकग्राउंड, इसका जो ये बॉर्डर है वो सेम है दोनों का। और तो कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिर इसको भी फिट कराएंगे और इस वाले मिरर को भी फिट कराएंगे। तब तक के लिए तो गाइज़ घर आते ही मैंने सब्जी वगैरह काट ली है और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।